जैसे कि हर फिल्म कड़ी मेहनत से बनती है, ये भी पैंडमिक के बीच में हमने बहुत मेहनत के साथ फिल्म बनाई है। और ये फिल्म जो है, इसका जो मेन जो वन लाइन है बहुत ही सीरियस है, लेकिन जिस तरीके से इसको ट्रीट किया है वो बहुत ही हंसमुख है, कॉमेडी है। जैसे मैं जाने भी दो यारों का एक उदाहरण दे सकती हूँ कि जो स्टोरी है, जो लाइन है वो बहुत सीरियस है, लेकिन स्क्रीन प्ले जो है वो बहुत ही हिलेरियस है। वैसे ही ये है, मेरा जो किरदार है वो एक पॉलिटिशियन का है। पहली बार मैंने मेरे करियर में पॉलिटिशियन का किरदार निभाया है, और गुलाब दीदी नाम है मेरा। बहुत मज़ा आया, बहुत सख्त, बहुत रूथलेस किस्म का कैरेक्टर है ये, और बहुत उमदा, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। जैसे धनंजय पांडे जी, मनोज जोशी जी, वो आर फैंटास्टिक एंड नोन फॉर देयर परफॉर्मेंसेस। उसके साथ साथ ऑफकोर्स हर बार मेरे कैरेक्टर मुझे याद दिलाने का काम कि ईशा यू आर नॉट ईशा, यू आर गुलाब दीदी, ये काम जो हमारे राइटर है संजय छेल जी उन्होंने, एंड ऑफकोर्स माई डायरेक्टर अभय, आई थिंक अभय ऑलरेडी अंदर फिल्म देख रहे हैं, अभय निलानी। तो इट्स लाइक ऑलवेज टीम वर्क। और मेरा स्टाफ, उनका नाम, मेरी पूरी जो टीम जो है, माय मेकअप दादा, नंदा, विजय, दीपाली, सबके बिना ये इट वॉज नॉट पॉसिबल। तो मैं सबको शुक्रिया अदा देना चाहूँगी, और अब सब लोगों को कहना चाहूँगी प्लीज़ गो एंड वॉच द फिल्म, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है कि बहुत ही शुभ दिन पे मेरी फिल्म का प्रीमियर है और कल रिलीज़ हो रही है, लेकिन
मैं इस वक्त फास्ट कर रही हूँ और मुझे लग रही है बहुत भूख, तो अभी थोड़ी देर में जब मून राइज होगा मैं चुपके से जाके व्रत तोड़ के खाना खा के वापस आ जाऊँगी, क्योंकि सच्चे में बहुत प्यास लग रही है, बहुत भूख लग रही है। आई थिंक एक बहुत ही अहम मुद्दे पे फिल्म बना रहे हैं, लव यू लोकसत्ता, इससे अच्छा सब्जेक्ट मैं सोचती हूँ। और इन्होंने बहुत लाइट हार्टेड वे में, मैंने जहाँ तक सुना है, फिल्म तो नहीं देखी है, गाने देखे हैं, वेरी गुड म्यूज़िक। एंड अमित जी हमारे बहुत पुराने फैमिली फ्रेंड हैं, तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। उन्होंने एक बहुत टॉप के लॉयर होते हुए एक नया, आई वुड से नया किरदार उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लाए हैं, बट आई बिलीव ही इज़ प्लेइंग अ लॉयर, इस फिल्म में भी वो लॉयर हैं। तो लोकसत्ता हम सबकी बहुत प्रिय है, देखते हैं ये लव यू लोकसत्ता में क्या लोकसत्ता दिखा रहे हैं। हाँ, तो विश देम ऑल द बेस्ट, गुड लक टू द फिल्म, थैंक यू। देखिए, ये जो मूवी है इसकी खासियत ये है कि इसमें जो कास्ट है, जो एक्टर्स हैं, वो खुद प्रोफेशनली लॉयर्स हैं। और आज की तारीख में देश में क्या हो रहा है, किस तरीके से सियासत चल रही है और किस तरीके से कोर्ट के अंदर जो है उथल पुथल देखने को मिल रहा है, उसको यहाँ पे प्रोजेक्शन किया है। मुझे लगता है कि इसको अगर आप देख लेंगे तो आजकल जो अपने देश में चल रहा है वो आपको पता चल जाएगा। अच्छा लग रहा है, लव यू लोकतंत्र सबको अच्छी लगेगी और सब लोग सिनेमा गृह में जाके देखें और सबको अच्छी लगेगी ये फिल्म और जिस तरह से बनाई है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखिए, बहुत टाइम के बाद तो मैं पिक्चर के प्रीमियर में आ रहा हूँ, पहले बहुत होते थे प्रीमियर, और ये बहुत बड़ा प्रीमियर है और बहुत बड़ा रिलीज़ है, मोर देन 1000 थिएटर्स। सो मैं बहुत खुश हूँ कि इतना बड़ा रिलीज़ इस पिक्चर को मिल रहा है अमित शाह, अमित जी की वजह से, और पिक्चर बहुत अच्छी बनी है। पिक्चर में बहुत अच्छे टेक्नीशियंस हैं, संजय छेल हैं, राज सैनी है, मैं हूँ, और बहुत अच्छे टेक्नीशियंस और बहुत ही कमाल की स्टोरी की पिक्चर है। और इसमें दोनों मेरे बेटे रोहांश और अबीर ने असिस्ट किया है और गाना भी गाया है दोनों ने, तो मैं बस बहुत खुशी से पहली बार देखने जा रहा हूँ पिक्चर। अभी तक पिक्चर नहीं देखी, गाने देख लिए मैंने, और मुझे लग रहा है बहुत अच्छी वाइब्स है। ये जो पिक्चर की स्टोरी है, सब्जेक्ट है, ये बहुत सबको सरप्राइज कर देगी। इसके गाने सिचुएशनल तो है ही, मगर बहुत ही अच्छे प्लेसमेंट हैं, बहुत ब्राइट म्यूजिक है इसका और एक रोमांटिक गाना है जो अमृता फडणवीस और शान ने गाया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और एक गाना मैंने भी गाया है प्रतिभा बघेल के साथ, जो अमित मेहता पे पिक्चराइज हुआ है, उसको हम कहते हैं एक ठुमके से फेसबुक और इंस्टा हिला दूँ, संजय छेल ने बहुत अच्छा लिखा है इसको। और एक दलेर मेहंदी जी का गाना है जो कि बहुत ही बहुत अच्छा पिक्चराइज हुआ है और बहुत ही एनर्जी के साथ म्यूजिक बना है इसका। दिल की खिड़की खोल खोल के चंद इशारे बोल बोल के करती है तू कैसा हल्ला, पर जाम पीऊँ या करूँ मैं योगा, हमसे तो कंट्रोल ना होगा, ऐसा है नजारा वल्ला। सलामी मेरे दिल की तू ले जा सलमा, ओ सलमा। दलेर मंदी ने गाया गाना, बहुत कमाल है। थैंक यू, थैंक यू। एक्चुअली अभी जो मुंबई इंडस्ट्री का हालात है या सिचुएशन कह सकते हैं, इस हालात में, इस पोजिशन में, आज की तारीख में इस तरह का फिल्म आई लव लोकतंत्र, नाम से ही आपको ऐसा लगा गया कि समथिंग न्यू, समथिंग एक मैसेज है फिल्म में, समथिंग वेरी डिफरेंट। अमित कुमार जी को मैं तहे दिल से आई विश हिम ऑल द बेस्ट। You need a daringness to attempt such a subject. At the same time, the casting है, it's really very nice. बहुत ही unique लग रहा है, and सबके जो get-ups है, characters है, दो अभी तक मैंने फिल्म देखा नहीं, लेकिन जो poster देख के जो महसूस हो रहा है,
बहुत ही अच्छा फील आ रहा है एंड मैं तहे दिल से ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि ये फिल्म बहुत चले। थैंक यू। डेफिनेटली मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो आ रहे हैं ऊपर वाले की दया से, जय गुरु जी की दया से मैं 300 फिल्में काम किया, बहुत कुछ किया है एंड रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। बट नाउ ऐसा लगता है कि और कुछ करना, और कुछ डिफरेंट करना है, तो डेफिनेटली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन जहाँ होता ना अंदर से एक आवाज़ आती है कि हाँ ये करना चाहिए, डेफिनेटली करेंगे, बाकी तो सब ईश्वर के हाथ में है।